यार तू मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं रहा है। मैं मास्टर ऑफ वन बनना चाहता हूँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं। यार मास्टर ऑफ वन का मतलब तो समझ आता है, लेकिन एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स क्या है? यार जब भी मैं तेरे सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ तो तू क्वेश्चन क्यों पूछता है? एब्सिस के चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले, अभी भी उसमें वीडियो अपलोड हुआ है। नहीं नहीं यार, सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर, उसके बाद हम इस वीडियो को इकट्ठे बैठ कर देखेंगे। हेलो मेरे क्लासी दोस्तों, दिस इज अंकित फ्रॉम एब्सिस स्किल्स एंड आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ मीनिंग ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सबसे पहले तो गाइस आपको बता दूँ कि ये हमारा एक नाउन है। जब भी कोई पर्सन एक से ज़्यादा अलग अलग तरीके की जॉब कर सकता है तो उस पर्सन के लिए हम लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यूज़ करते हैं। इनफैक्ट ये नाउन कई जगह पर इंसल्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। हम लोग कई बार कहते हैं कि ये पर्सन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, इसको जो काम मिलता है ये पर्सन उस तरह के कामों करता, अलग अलग काम करता है, ये एक काम में मास्टर नहीं है। तो चलिए गाइस अब हम सेंटेंसेस के हेल्प से जानेंगे कि हमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स को अपने सेंटेंसेस में कैसे फिट करना है। तो जो आप लोग के पास फर्स्ट सेंटेंस है वो है, रोहित हैज़ बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। यानी रोहित जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन गया है, यानी गाइस वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरह की जॉब कर सकता है, लेकिन ही इज़ द मास्टर ऑफ नन। लेकिन गाइस वो किसी भी चीज़ का मास्टर नहीं है। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे इस सेंटेंस में रोहित की थोड़ी सी इंसल्ट की गई है, और इसी तरीके से इस नाउन को काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। तो अब गाइस हम देखेंगे अपने सेकंड सेंटेंस को। तो जो आप लोग के पास सेकंड सेंटेंस है वो है, आई एम वेरी लकी दैट माई हस्बैंड इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। यानी मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे हस्बैंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, यानी वो डिफरेंट तरह की जॉब कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस में वो एक जो वुमेन है वो गाइस अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मान रही है। तो इस कंडीशन में गाइस इस सेंटेंस की एक पॉजिटिव साइड दिखाई गई है। तो गाइस जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सेंटेंसेस में यूज हो सकता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मीनिंग अच्छे समझ आया होगा और आप इस वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में बार बार यूज़ करने वाले हो। तो अगर गाइस आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्सअप दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। वहाँ भी गाइस कंटेंट आपका अपलोड होता रहता है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।